एक लड़की एक लड़के पर आशिक हो गई। इश्क का भूत दोनों के सर पर चढ़कर नाचने लगा। मुख्तसर ये कि दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की ने कहा, मेरे पास एक तेज रफ्तार ऊंटनी है, हम रात को नदी पार करके दूसरे शहर रवाना हो जाएंगे। लड़के ने भी हाँ करके रजामंदी का इजहार किया और रात के पिछले पहर वक्त मुकर्ररा पर दोनों नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। लड़की बोली, मैं ऊंटनी पर सवार हो जाती हूँ, तुम इसे पीछे से हांकते हांकते नदी पार करो, फिर बैठ जाना नदी पार करके। लड़के ने कहा, मगर ऐसा क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, हांकने की क्या जरूरत है, खुद ब खुद चल तो रही है। लड़की ने कहा, इसका बाप हमारा पालतू ऊंट था। उसकी आदत थी कि वो बीच नदी में जाकर बैठ जाता, पानी देखकर मस्त हो जाता और मारने पीटने पर भी वो ढीठ बना रहता। ये ऊंटनी भी पानी में जाकर बैठ जाती है, आदत है इसकी भी, तो इसलिए तुमसे कह रही हूं कि इसके पीछे से हांकते जाना, फिर नहीं बैठेगी और हमारा वक्त बच जाएगा, हम सुबह होने से पहले शहर से दूर निकल जाएंगे। लड़के ने कुछ देर लड़की के चेहरे पर नजरें गाड़े रखे और फिर ठंडा सांस लिया, जैसे कोई पुख्ता इरादा कर चुका हो, और बोला, हम भागकर शादी नहीं करेंगे, हम भागकर शादी नहीं करेंगे, मुकद्दर हुआ तो निकाह हो जाएगा, नहीं तो जो रब की रजा, तू वापस घर लौट जाओ, तुम वापस अपने घर चले जाओ। लड़की ने कहा, मगर क्यों, अचानक क्या हो गया तुम्हें। फिर इस पर लड़की ने कहा, फिर इस बात पे लड़के ने उनको जवाब दिया, उस लड़के ने कहा, इस ऊंटनी के बाप की खसलत इसमें मुंतकिल हो गई, तो क्या मेरी खसलतें मेरी बेटी और आने वाली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगी। आज मैं तुम्हारे साथ भाग रहा हूँ, कल मेरी बेटी किसी और के साथ भाग जाएगी, यही दुनिया का निजाम है, अल्लाह का यही कानून है, बदले की दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।